और अब बड़ी खबर खंडवा से। भाई बहन को तालिबानी सजा मिली है, पेड़ से बांधकर लकड़ी और कोड़े से पीटा गया है। भाई अपनी बहन से मिलने घर पहुंचा था, लोगों ने दोनों की बेरहमी से पिटाई कर दी। मारपीट का वीडियो वायरल हुआ है। जांच के बाद आरोपियों पर केस दर्ज कर लिया गया है। पिपलोद थाना क्षेत्र के बामदा गांव का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तो लोगों ने दोनों की बेरहमी से पिटाई कर दी। ये बताया जा रहा है कि भाई अपनी बहन से मिलने उसके घर पहुंचा था, लेकिन किस तरह से यहां पर भाई बहन को बेरहमी से पीटा गया। पहले पेड़ से दोनों को बांध दिया गया, लकड़ी और कोड़े उन पर बरसाए गए हैं। तो भाई अपनी बहन से मिलने पहुंचा हुआ था, लोगों ने उसकी और उसकी बहन की बेरहमी से पिटाई की है और मारपीट का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। अमित हमारे साथ इस खबर पर जुड़ चुके हैं। अमित, क्यों गांव वालों ने इस तरह से भाई बहन की पिटाई की है? जी बिल्कुल, मैं बता दूं कि जैसे हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं कि खंडवा जिले का जो पिपलोद थाना क्षेत्र है वहां का बामंदा है, और वहां एक भाई पहुंचा था अपनी बहन से मिलने के लिए। लोगों को ये लगा कि पति घर में है नहीं और कोई एक शख्स जो बाहर का है, अनजान शख्स है, वो आया है। तो लोगों ने शंका की, चरित्र शंका, और यही चरित्र शंका वजह बनी इस मारपीट की। इस पूरे मामले में लोगों ने इन दोनों को पेड़ से बांध दिया, उसके बाद इनके साथ मारपीट भी की है। इसका वीडियो कुछ लोगों ने बना लिया और वही वीडियो वायरल हो रहा है। इस पूरे मामले में पिपलोद थाना पुलिस ने जांच के बाद केस दर्ज किया है, और जो पुलिस अधिकारियों से हमारी बात हुई उन्होंने ये बताया कि 3 लोगों को इस पूरे मामले में गिरफ्तार कर लिया गया है। पर अगर हम इस पूरी खबर को देखें अमित, तो क्या उस समय उनके घर पे कोई ऐसा व्यक्ति मौजूद नहीं था जो उसके भाई को पहचान सके, या फिर कोई दूसरा एंगल भी इस पूरे वाक्य में सामने आ रहा है? बिल्कुल, मैं बता दूं आपको कि जिस समय ये घटनाक्रम हुआ उस समय वो बहन जो थी वो घर पर अकेली थी, और जब भाई आया तो लोगों को शंका हुई। जब ये पूरा घटनाक्रम चला तो इस दौरान फोन पर जो पति है उसने भी ये कहा कि दोनों रिश्ते में भाई बहन लगते हैं, क्योंकि वो बाहर था इसलिए वो मौके पर नहीं पहुंच सका, और परिजन घर में कोई और परिजन भी नहीं थे जो ये बता सके कि ये दोनों भाई बहन है। पति ने जब फोन पर कहा उसके बाद भी उसकी बात को नहीं माना गया, उसकी बात को नहीं सुना गया, और लोगों ने इनके साथ मारपीट की। तो पुलिस ने इस तरह का कृत्य करने वालों पर केस दर्ज किया है। 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, और पुलिस का कहना है कि अन्य लोग भी अगर इसमें शामिल पाए जाते हैं वीडियो के आधार पर तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाए। चलिए, आपका धन्यवाद तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।